सब्सक्राइब कीजिए थिंक ऑक्सिन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मेडिकल साइंस के वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक एक गंभीर बीमारी है जिसने न सिर्फ अपने भारत देश में बल्कि अपने नजदीकी देशों में भी एक डर का माहौल बना दिया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेंगू की बीमारी के बारे में। हम आज देखेंगे कि डेंगू किसे कहा जाता है, इसकी क्या निशानियां है, इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वेलकम टू थिंक ऑक्सिन, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और आज के मेड डाइजेस्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हर साल दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोग, हाँ दोस्तों 10 करोड़ लोग डेंगू की बीमारी के शिकार होते हैं। भारत में इस साल डेंगू के करीब करीब 19,000 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं और कुछ ही दिनों पहले श्रीलंका में डेंगू की एक खतरनाक लहर आई जिसमें 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब करीब 81,000 डेंगू के नए केसेस दर्ज हुए हैं। तो दोस्तों डेंगू आखिर क्या बीमारी है? डेंगू ये एक मच्छर के काटने से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। डेंगू ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। दोस्तों अगर आपको जानना हो तो के वायरस किसे कहा जाता है तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो डेंगू वायरस के 4 प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार के डेंगू वायरस से होता है। जब कोई रोगी डेंगू के बुखार से ठीक हो जाता है तब उस मरीज को उसके एक प्रकार के डेंगू वायरस से लंबे समय के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, परंतु अन्य 3 प्रकार के डेंगू वायरस से डेंगू का बुखार फिर से दोबारा हो सकता है। दूसरी बार होने वाले डेंगू बुखार काफी गंभीर हो सकता है जिससे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहा जाता है। तो दोस्तों डेंगू का बुखार कैसे होता है? डेंगू हवा, पानी, साथ खाने या छूने से नहीं फैलता। डेंगू संक्रमित इन्फेक्शन मादा जाति के एडीस नामक मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों मच्छर से तो गूगल भी परेशान है और उन्होंने एक अलग तरीके के मच्छर एक रोबोट के द्वारा बनाए हैं। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को डेंगू का बुखार है तो उस व्यक्ति को ये मच्छर काट कर उसका खून पीता है तो उस मच्छर में डेंगू वायरस युक्त खून चला जाता है। जब ये संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो डेंगू वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। एडीज मच्छर की कुछ खास विशेषताएं हैं। ये मच्छर दिन में ज्यादा सक्रिय होते हैं। इन मच्छर के शरीर पर चीते की तरह धारियां होती है। ये मच्छर ठंडे और छाव वाली जगहों पर और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। घर के अंदर रखे हुए शांत पानी में प्रजनन या ब्रीडिंग करते हैं। गटर या रस्ते में जमा खराब पानी में कम प्रजनन करते हैं। पानी सूख जाने के बाद भी इनके अंडे 12 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों डेंगू की बीमारी के लक्षण क्या है? संक्रमित इन्फेक्शियस मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन बाद डेंगू की बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इन लक्षणों में तेज ठंडी लगना, सरदर्द, आंखों में दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मचलना या उल्टी, दस्त लगना या लूज मोशन, चमड़ी के नीचे लाल चट्टे आना जैसी हो सकता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर की गंभीर स्थिति में आंख नाक में से खून भी निकल सकता है। डेंगू की बीमारी का इलाज क्या है? डेंगू का रोकथाम प्रिवेंशन ही इसका सबसे अच्छा और बेहतर इलाज है। डेंगू की कोई विशेष दवा या वैक्सीन नहीं है। ये एक वायरस की वजह से हुआ रोग है, इसके लिए इसकी दवा निर्माण करना बेहद कठिन है। दोस्तों डेंगू के इलाज चिकित्सा में लाक्षणिक चिकित्सा यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। डेंगू की बीमारी की कोई दवा नहीं है, पर इस रोग से शरीर पर होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए रोगी को डॉक्टर की सलाह अनुसार आराम करना चाहिए और समय पर दवाई लेनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी लेना चाहिए। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार पैरासीटामोल लेना चाहिए। डेंगू बुखार में रोगी ने पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बुखार या सरदर्द के लिए एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित प्लेटलेट काउंट की जांच करानी चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति डेंगू की बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ही सक्षम है, इसलिए हमें हमेशा योग्य संतुलित आहार और व्यायाम द्वारा रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों डेंगू की बीमारी से बचाव कैसे करें? जैसे कि मैंने पहले कहा, डेंगू का रोकथाम प्रिवेंशन ही इसका सबसे बेहतर इलाज है। इसके अलावा आप और भी सावधानियां बरत सकते हैं।
जैसे कि घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दे, कोई भी बर्तन में खुले में पानी न जमने दे, और अगर आप किसी बर्तन, ड्रम या बाल्टी में पानी भर कर रखते हैं तो उसे ढक कर रखे। अगर किसी चीज में हमेशा पानी जमा कर रखते हैं तो पहले उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जिससे मच्छर के अंडे को हटाया जा सकता है। दूसरा, दोस्तों घर में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कूलर का काम न होने पर उसमें जमा पानी निकालकर सूखा कर दे। किसी भी खुली जगह में जैसे कि गड्ढों में, गमले में या कचरे में पानी जमा न होने दे, और अगर पानी जमा है तो उसमें मिट्टी डाल दे। खिड़की और दरवाजों में जाली लगाकर रखे और शाम होने पर दरवाजे बंद कर दे। ऐसे कपड़े पहने जो पूरे शरीर को ढक सके। रात को सोते वक्त मच्छरदानी लगाकर सोए। अन्य मच्छर विरोधी उपकरण इस्तेमाल करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक मॉस्किटो बैट, रिपेलेंट क्रीम और स्प्रेज इत्यादि। अगर बच्चे खुले में खेलने जाते हैं तो उनके शरीर पर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाए और पूरा शरीर ढके, ऐसे कपड़े पहनाए। अगर अपने आसपास में अगर कोई डेंगू या मलेरिया के मरीज का पता चलता है तो इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दे, जिससे तुरंत मच्छर विरोधी उपाय किए जा सकते हैं। डेंगू की बीमारी के ज्यादातर मरीजों की मृत्यु प्लेटलेट या खून के अभाव में होती है। ऐसे में अगर उनको खून चढ़ाया जाए तो उनकी जान बच सकती है। कई लोग डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते का रस पीने की सलाह देते हैं। पपीते के पत्ते का रस पीने के बाद कई मरीजों में प्लेटलेट काउंट में सुधार होते हुए दिखे हैं। इसका कोई ठोस पुरावा नहीं है और ना कोई रिसर्च हुआ है। अब बाजार में पपीते के एक्सट्रैक्ट की दवाई भी मिलती है, जो कभी कभी डॉक्टर जरूरत होने पर आपको लेने की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे डेंगू की बीमारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे प्लीज लिखकर भेजना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर और गुड नाइट।